السلام عليكم ورحمة الله। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा अदा। अल्लामा रागिब नईमी की इमामत में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ खानदान के अफराद, लीगी रहनुमाओं, हजारों की तादाद में काकनों और आम शहरियों ने नमाज जनाजा अदा की। बेगम शमीम अख्तर जाती उम्रा में मियाँ शरीफ मरहूम के पहलू में सुपुर्द खाक, तदफीन में सिर्फ शरीफ फैमिली के अफराद शरीक हुए। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ समेत साबिक वजीर आजम शाहिद ककान अब्बासी भी शरीक हुए। वजीर आजम आजाद कश्मीर फारूक हैदर, मुस्लिम लीग नून के अरकान और कौमी सूबाई असम्बली, मुख्तलिफ सियासी जमातों के वफूद और नुमाइंदों ने भी शिरकत की। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में नमाज जनाजा के शुरका के लिए अलग अलग पंडाल। शरीफ फैमिली वीआईपी ईज के लिए अलहदा इंतजाम, काकनों और आम शहरों के लिए फुटबॉल ग्राउंड मुख्तस किया गया। नमाज जनाजा के इंतजाम के लिए जिला इंतजामिया भी मुतहरिक रही। डॉल्फिन पुलिस के 500 जवानों समेत 800 लीगी काकनों ने सिक्योरिटी ड्यूटी दी। जेलों में कोरोना टेस्ट की जिम्मेदारी सैनिटरी अमले के सपोर्ट। सीईओ हेल्थ के अहकामात के बाद पहले रोज सेंट्रल जेल और कोटलकपत जेल पहुंचने वाले 60 नए कैदियों के कोरोना सैंपल लिए गए। कोरोना फैलने के खदशात, आज से पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स भी खाली कराने की तैयारी। 2800 मुकीम तलबा में से गिलगित, पाटा, कैम्पिल और पीएचडी स्टूडेंट्स के सिवा तमाम को घर जाने की हिदायत। एक कमरे में एक तालिबे इल्म सकूनत इख्तियार करेगा, इंतजामिया की हिदायत जारी। कोरोना वबा का खतरा, तलबा छुट्टियों पर असातिज़ा को कॉलेज आने की हिदायत। सरकारी कॉलेजों में टाइम टेबल के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस का फैसला। असातिज़ा 50% हाजिरी हर सूरत मुमकिन बनाएंगे। डायरेक्टर कॉलेजेस का मुरासला, ऑनलाइन क्लासेस 24 दिसंबर तक जारी रहेंगी। इंडोर शादी तकरीबात की मशरूत इजाजत। खुले और हवादार शादी हॉल्स और बाकी में सामाजिक फासला बरकरार रखने की शर्त पर इंडोर तकरीबात मुनक्किद की जा सकेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने अहकाम जारी कर दिए। फैसले से शहरियों, हाल मालिकान और कारोबार से वाबस्ता दीगर अफराद में खुशी की लहर। ठोकर न्याज बेग चौक पर 12 मुख्तलिफ रास्तों से ट्रैफिक की आमद। ट्रैफिक जाम मामूल, हादसों की शरह भी बढ़ गई। सीटीओ का चौक की रीडिजाइनिंग का मुतालबा। रिक्शों के लिए स्टैंड बनाने की भी इस्तदा। चीफ टीपा को मुरासला इरसान। माली मसाइल और सुर्ख फीता हाल। पंजाब हुकूमत सेहत कार्ड के इजरा का हदफ पूरा करने में नाकाम। वजीर आजम महकमा सेहत की कारकर्दगी पर बरहम। वजीर सेहत पंजाब की सरजनिश। वजीर आजम इमरान खान ने यास्मीन राशिद की सेहत और मेडिसिन कार्ड्स के लिए 2 साल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फौरी तौर पर मजीद 20 लाख कार्ड के इजरा की हिदायत। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात, हाईकोर्ट अहाता पोलिंग स्टेशन करा। सीनियर और उम्र रसीदा वकला के लिए वोट कास्ट करने के लिए अलहदा इंतजाम। लाहौर की 16 सीटों के लिए 90 से जायद उम्मीदवार में मुकाबला। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त मुकम्मल। मेंबर पाकिस्तान बार हाफिजुर रहमान चौधरी, साबिक डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुल रहमान, साबिक सदर हाईकोर्ट बार शफकत महमूद, जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रहमान अंसारी और एडवोकेट अहद गुज्जर समेत 7,500 से जायद वकला ने वोट कास्ट किया। एक कानून शिकनी, दूसरा हर धर्मी। स्याह शीशों वाली गाड़ी के मालिक की खिलाफ वर्जी पर रोकने वाले वार्डन से बदतमीजी। जेल रोड पर तेज रफ्तार कार की अहलकार को रूंधने की कोशिश। फर्शनास वार्डन जिगजैग करती गाड़ी के बोनट से गिरकर टांगे जख्मी करवा बैठा। कार सवार फरार, मुकदमा दर्ज। घर के चूल्हे ना जले तो गाड़ी कैसे चले। मेट्रो बस मुलाजमीन का सब्र जवाब दे गया। तनख्वाहें ना मिलने पर बत्ती चौक के करीब एहतजाजन। मुसाफिरों से बस खाली करवा ली।
शाहदरा से मेट्रो बसों की रवानगी भी रोक दी गई। इंतजामिया ने तनख्वाहें ना देने की जिम्मेदारी निजी कंपनी पर डाल दी। एहतजाजी मुलाजमीन से मुजाकरात, कलमा चौक तक रूट बहाल कर लिया। गंदम की नई कीमत 2000 रुपए मन, पंजाब असेंबली की सिफारिश पर अमल दरामद की मुद्दत मुकम्मल। हुकूमत बदस्तूर खामोश, वजारत कानून पंजाब में कानून साज, इदारे की सिफारिशात से बच निकलने के लिए मुशावरत जारी। महसूलात की कम वसूली, पंजाब के खजाने में शॉर्टफॉल का खदशा। 220 अरब हदफ के मुकाबले में 4 माह के दौरान सिर्फ 66 अरब जमा हो सके। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक्साइज और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट रिकवरी टारगेट पूरा करने में नाकाम रहे। मंसूबे आलीशान, जराए महदूद और खजाना खाली। सूबाई महकमों की मजीद 90 अरब की डिमांड, इजाफी अदायगियों के मुतालबे पर माली बहरान की शिकार पंजाब हुकूमत परेशान। फंड्स की डिमांड सेहत, तालीम, तामीरात के मंसूबों के लिए की गई है। बजट मंजूर नहीं या सलाहियतों पर शक है। महकमा खजाना ने LWMC के सफाई निजाम खुद संभालने की मुखालफत कर दी। 5 अरब सालाना बचत तखमीना के बावजूद सफाई सिस्टम में खराबी के खदशे का इजहार। LWMC को एक बार फिर ब्रीफिंग की हिदायत। दिनों और हफ्तों का काम अब घंटों में। जायदाद की रजिस्ट्री के लिए वन विंडो ऑपरेशन का आगाज। जमीनों की रजिस्ट्री और इंतकाल की खिदमत ई खिदमत मरकज में शामिल। PITB और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने MOU साइन कर दिया। उफ, ये महंगाई। ब्रॉयलर चिकन की कीमत में 16 रुपए का इजाफा। फी किलो कीमत एक बार फिर 300 रुपए से मुतजावज। रिटेल मार्केट में मुर्गी का फी किलो गोश्त 306 रुपए हो गया। फार्मी अंडे बदस्तूर 176 रुपए दर्जन। तफ्तीश बार बार, चालान फौरी, दहशतगर्दी मुकदमात जल्द निपटाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में इंस्तदाद दहशतगर्दी अदालतों की कारकर्दगी का जायजा इजलास। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की जेर सदारत। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी समेत दीगर इजलास में शरीक हुए। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक का ATC जजेस की मुकदमात निपटाने के हवाले से रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। लाहौरियों को जाली दूध से बचाने की कोशिशें। फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन दूसरे रोज भी जारी। 260 से ज्यादा दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई। 6310 लीटर जाली दूध मौके पर ही तलब कर दिया गया। शहर भर में मिल्क शॉप्स की भी चेकिंग। शालामार टाउन, धर्मपुरा में दुकानें सील। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर दीगर फूड पॉइंट्स भी सरबमोहर कर दिए गए। महंगा आटा फरोख करने पर 77 फ्लोर मिल्स को 118 शोकास। 11 के कोटे मौतल, 48 लाख जुर्माना और 6 मुकदमा दर्ज। जिले इंतजामिया के मॉनिटरिंग सेल की कारकर्दगी रिपोर्ट। 31 सहूलत बाजारों का महंगाई के खिलाफ मौसर साबित होने का दावा। 14,000 शहरियों ने 1 करोड़ से जायद की खरीदारी की। गैर कानूनी तामीरात की भरमार। LDA का रायवेंड रोड पर इस्तदादी ऑपरेशन। जावा बेकरी एंड स्वीट्स गैर मारूफ मार्की समेत 3 इमारतें मिसमार और 6 सरबमोहर कर दी। इदारा तरक्यात लाहौर की इकबाल टाउन में भी कार्रवाई। गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर 8 इमारतें मिसमार, 20 सरबमोहर। डॉक्टर यासिर दानियाल पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस रिसर्च में नंबर 1। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का डॉक्टर यासिर दानियाल के एजाज में तहनीती ट्वीट। नंबर 1 रिसर्चर बनने की मुबारकबाद की दी। पंजाब यूनिवर्सिटी अमले की गफलत और अदम तौजीही। PU रेडियो का कीमती पुर्जा जवाब दे गया। फनी खराबी से FM नशरियात तातुल का शिकार। कीमती पुर्जे की तब्दीली का तखमीना 20 लाख रुपए। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में बेएहतियाती। कोरोना के संगीन खदशात के बावजूद शादी हॉल की आउटडोर तकरीबात में SOPs के खिलाफ वर्जी। तहसील शालीमार में शाहदीन शादी हॉल जल्लो रोड सील कर दिया गया। पार्सल और पैसेंजर ट्रेनों के किरायों में ओवरचार्जिंग की शिकायत।
वज़ीर रेलवे की ज़ेर सदारत इजलास में ज़ायद किराए की वसूली पर सख्त एक्शन लेने का हुक्म। इजलास में कोचेस में नुक्स और खराब कोचेस की बहाली के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। पोलियो मुहिम में एंटी पोलियो टीमों की अदम दिलचस्पी। ट्रेनिंग सेशन में कोऑपरेटिव महकमों की पोलियो टीमों की अदम शिरकत। डिप्टी कमिश्नर का गफलत पर सख्त बरहमी का महकमे कोऑपरेटिव से फौरी रिपोर्ट तलब। इस वॉक के खिलाफ वासा अफसरान की साइकिल मुहिम का चौथा हफ्ता। एमडी जाहिद अजीज की कयादत में अमले और अफसरान की साइकिलों पर दफ्तर आमद। साइकिलिंग आलूदगी कम करने में मददगार और मुशक्कत के बजाय वर्जिश भी है। एमडी वासा साइकिलिंग एक्सरसाइज के मोतरफ हो गए। ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम धरे का धरा रह गया। सरकारी असातजा इधर के उधर हो गए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ई ट्रांसफर सिस्टम नाकाम। ट्रांसफर ऑर्डर्स के इजरा के लिए 30 नवंबर की नई डेडलाइन दे दी। मुतासिरीन का तबादलों के लिए मैनुअल सिस्टम के दोबारा इजरा का मुतालिबा। बेफॉर्म की शर्त वबाल जान बन गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एक साल बाद भी 1.5 करोड़ तलबा का डाटा जमा करने में नाकाम। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत आने वाले पैमा और दानिश स्कूलों का डाटा भी जमा नहीं किया जा सका। कोरोना वबा ने कमर तोड़ दी। किराया, यूटिलिटी बिल्स और टैक्सेस की अदायगी नामुमकिन हो गई। सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन के वफद का वजीर कानून से रिलीफ पैकेज का मुतालिबा। मुलाकात में दरपेश मसाइल पर बात। राजा बिशारत ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। तंजानिया चैंबर ऑफ कॉमर्स के वफद का दौरा लाहौर चैंबर। सदर पॉल एफ कुई की मियां तारिक मिसबा, नासिर अमीर खान समेत दीगर कायदीन से मुलाकात। दो तरफा तिजारत के फरोख और कारोबारी इश्तराक की तजावीज पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाने पर इत्तेफाक। खवातीन पर तशद्दुद हिरासगी के खिलाफ कानूनी मदद की फराहमी के लिए अहम पेशरफ। वुमेन चैंबर और संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। एमओयू खवातीन पर तशद्दुद हिरासगी के खिलाफ कानूनी मदद साइन किया गया। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की सालगिरह। साथी जजेस वकला और अजीज वकारिब की जानिब से मुबारकबाद ने ख्वाहिशात।